चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। ये सब कुछ तुम्हारे पापा की वजह से हुआ जानू। खबरदार जो मेरे पापा को कुछ कहा। कुछ तेरे पापे को तो बहुत कुछ कहना चाहिए। तेरे पापे की वजह से आज हम सड़क पर हैं। सड़क पर नहीं मोमो, हम पार्क में बैठे हैं। हम सब मुमताज के पार्क में इश्फाक। बस करते प्लीज, मैं परेशान हूँ। बेघर होते ही तूने नाम बदल डाला। वैसे परेशान नाम तेरे ऊपर बड़ा जचेगा। मैं खूबसूरत हूँ माँ जी। तू एक कंजूस सांड की गरीब बेटी है बस। तो बस कर दे यार, आप लोग कहीं भी शुरू हो जाते हैं। शाम होने से पहले पहले हमें लाहौर जाने का बंदोबस्त करना है। बाकी का लड़ना लाहौर जाके होगा क्या? अरे तो तुमने क्या सारी जिंदगी इसी पार्क में गुजारनी है? हम लाहौर कैसे जाएंगे यार, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। यार एक काम करें महमूद साहब, आप यार आप भट्ट साहब को फोन करें, उन्हें फोन करें, वो हमारी मदद जरूर करेंगे यार, उन्हें बड़े पैसे कमाए हैं। अच्छा अच्छा। अरे नबील भट्ट साहब का तो फोन ही बंद जा रहा है यार, अब क्या करेंगे? देखें यही वक्त है अपना टैलेंट दिखाने का। माँ जी आप उस तरफ जाएं, मैं मुसाब आप मेरे साथ आएं, हम इस तरफ जाते हैं। कुछ भी करके शाम से पहले हमने पैसे इकट्ठे करने हैं लाहौर जाने के लिए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ उठ ना, भीख मांगने जाना है ना तुझे, वैसे भी भीख ज्यादा मिलेगी। मैं सबको कह दूंगी फाके कर करके इसकी ये हालत हो गई है। मैं कहीं नहीं जा रही, दफा कर, मैं खुद ही चली जाऊंगी। चलो चलो माँ जी, उधर उधर उधर। क्या कर क्या कर भाई साहब, भाई साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैं बहुत गरीब हूँ। और मैं मस्कीन। और मैं लाचार। मेरा नाम है जुनैद लाचार, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। भाई हम बहुत मजबूर हैं, हमारी कुछ मदद कर दो। पहले तय कर लो लाचार या मिस्कीन। अरे आप लोग तो बुलबुले में आते ना, आप वो बड़े मुंह वाले महमूद साहब और ये निकम्मा कामचोर नबील। यार महमूद साहब ये तो मैं पहचान गया यार, नबील ये हमारा फैन लगता है। आपके साथ एक पिक्चर ले लूं, फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा। देखे भाई थोड़ी सी पैसों की मदद हो जाती ना, एक्चुअली हम लोग बड़ी मुश्किल में है भाई। शर्म नहीं आती, 600 किस्तें कर चुके तुम लोग फिर भी सड़क पे भीख मांग रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। ओ भाई ओ भाई, अरे ओ भाई, अरे घोंचू, अरे सेल्फी के ही पैसे देता जा। ओ यार मैं मुझा ये तो भाग गया यार। नबील अब क्या करें यार? यार मेरा ख्याल है दूसरा शिकार तलाश करते हैं। तो जो हमने दूसरा तलाश करना है वो शिकार है। हाँ जी। अच्छा जी, आज वो आज वो आज वो। देखिए आंटी मुझे देर हो रही है, आप चाहती क्या है? मैं ना चाहती हूँ कि लार्ज पिज्जे लिया, जंबो कोल्ड ड्रिंक लिया, तो मीठा तू अपनी पसंद से ले आना। अरे हटो यार आंटी, जाने दो मुझे, थोड़ी सी वो दे देना, बड़ी मुश्किल में हूँ। देखिए आंटी मेरे पास चर्स नहीं है। मैं चरस नहीं वो मांग रही हूँ। वो क्या? वो जो हरे हरे होते हैं। पौधे? अरे इतने सारे तो लगे हैं यहाँ दरख्त और पौधे। पौधे नहीं वो। ओ मुझे जाने दो माँ जी, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे फौरन किसी को रकम पहुँचानी है यार। रकम? हाँ, रकम थोड़ी रकम दे दे, मैं बड़ी मजबूर हूँ, मेरा छोटा सा शोहर है, बड़े मुंह वाला बच्चा है। दे पुत्र दे। शाबाश दे दे। ₹100 है रखे मुझे जाने दे माँ जी। ठीक है ठीक है। साहब सब कुछ याद है ना? अरे हाँ याद है नबील, ठीक इसी वक्त हमारी पड़ोसन मिसेज इकबाल छत पे आती है। खुदा का वास्ता आपको मैं प्लान की बात कर रहा हूँ, याद है ना? अरे हाँ हाँ याद है नबील। अरे पहले किसी को आने तो दो। मैं मुसाब आ गया। क्या हुआ मैंने? यार क्या बताऊँ भाई, मेरा बाप बड़ी तकलीफ में है, इसके दोनों गुर्दे फेल हो गए। पर ये तो दिल पकड़ कर चिल्ला रहे हैं। हाँ तो दिल में भी तो इतना बड़ा सुराख है इनके। सुराख? ओह ये तो बड़ी खतरनाक बात है भाई, और कहाँ कहाँ तकलीफ है आपको? हाँ भाई चार चार ऑपरेशन बताए हैं डॉक्टर ने, और मेरे बेचारे के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है ऑपरेशन कराने के लिए। उसकी फिक्र आप लोग मत करें, मैं हूँ ना, आई विल मैनेज। हेलो नर्स, हाँ अपना जल्दी से ऑपरेशन थिएटर तैयार करो, मैं मरीज को लेकर अभी आ रहा हूँ।
क्या? जी हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। आप फिकर मत करें, मैं आपके चारों ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। महमूद साहब ऑल द बेस्ट। ये क्या? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आपके तो दिल में सुराख है। अरे खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। अरे मैं अपना सुराख रुई से भर लूंगा, कपड़े ठूंस लूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मैं आपकी जान बचा के रहूंगा, ये तो मेरा फर्ज है। अरे कोई फर्ज नहीं है। अरे अरे छोड़ो मुझे। हेलो साइमा, मैं खूबसूरत हूँ। हाँ तो मैं भी कुछ कम खूबसूरत नहीं हूँ। मैं तुम्हारी दोस्त खूबसूरत हूँ, इस वक्त बड़ी मुश्किल में हूँ यार। अच्छा, लेकिन मैं तो इस वक्त अपने घर पे हूँ यार। एक्चुअली कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है, कुछ दिन तुम्हारे घर रह सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओ थैंक यू साइमा, बस हम सब एक घंटे में आ रहे हैं तुम्हारी तरफ। हम सब कौन? भाई मेरे साथ मेरा शौहर और सास ससुर भी तो आएंगे ना। क्या, फिर तो तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े चिपको हैं तुम्हारे ससुराल वाले। अल्लाह हाफिज। हेलो साइमा, गॉड अब क्या करूं, पूरा दिन इस पार्क में गुजारना पड़ेगा क्या? ओ यार महमूद साहब, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी यार। अच्छा, और तुम जो मुझे उस डॉक्टर के पास छोड़ के आ गए थे वो? अरे वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया नबील, कि ऑपरेशन करवाओ ऑपरेशन करवाओ। अरे तो क्या हो गया महमूद साहब, एक आधा ऑपरेशन करवा लेते यार, 3-4 दिन मुफ्त खाना मिलता हॉस्पिटल में यार, हो सकता डिस्चार्ज करते वक्त आपकी कुछ मदद भी कर देते वो। अरे तो तुम करवा लो ना मुफ्त में ऑपरेशन अपना। अरे महमूद साहब आपका ये बड़ा मुंह किस काम आएगा यार। अरे गलती तुम्हारी है यार। अरे मेरी क्या गलती है भाई? अरे तुमने तो एक निहायत कंजूस तरीन आदमी की बेटी से शादी की है, उसे किसी किस्म की परवाही नहीं अपनी बेटी की। बस महमूद साहब आप देखिएगा, जब चांदी की शादी होती है तो मैं उसको क्या क्या देता हूँ। क्या क्या दोगे? दुआएं दूंगा महमूद साहब, मेरे पास कौन सा कानून का खजाना है यार। काश मैंने मजीद खूबसूरत और मजीद अमीर लड़की से शादी की होती तो मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। अरे नबील, अब तुम लड़कियां पटाने पार्क में मत निकल जाना, हमें लाहौर जाने के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। महमूद साहब आप जाके भीख मांगे, मैं इस लड़की का हाथ मांग के अभी आया। अरे नबील, अरे वो हाथ ही ना लगा दे तुम्हें, बच के। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे। हाँ हाँ, मुझे भी अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। बाबा सूखी रोटी खाएगा दुआएं देगा? हाँ तो मैं छोटा सा सूखा बर्गर खाऊंगी तो दुआ दूंगी। तुम यहाँ खड़े होके भीख नहीं मांग सकती? क्या हूँ, ये सड़क तेरे बाप की है क्या? हाँ मेरा बाप भी यहीं खड़े होके भीख मांगता था। होश, फिर तो तू बड़ा अमीर होगा ना। आजकल धंधा ठीक नहीं है फिर भी कमा लेते हैं बाबा। बाबा मुझे भी थोड़ी सी वो दे देना। वो क्या, दुआएं? बाबा मुफ्त में दुआएं नहीं देता। वही नहीं, वो जो आप मांगते हैं। अरे बाबा मैं तो सबसे भीख मांगता हूँ। भीख, मुझे थोड़ी सी भीख दे दे बाबा जी प्लीज। अरे पागल औरत है, फकीर से भीख मांग रही है। अरे बाबा मुझे 1,000-2,000 दे दे, नहीं तो तेरा कंधा उतार दूंगी, फिर तुझे भीख भी ज्यादा मिलती है। जा इधर चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस पार निकलते हैं यार। बबल बनाए चलता जा, कोई जाए 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 जल्दा जा। खियां वालियो भाइयो सुन लो, दिल की ए बाबू, ए बाबू थोड़े पैसे दे देना। देख ओ माफ करो माँ। ओए माफ करो, ए देख ना बहुत मजबूर हूँ, मेरा छोटा सा शोहर है, दे दे भाई, निकाल दे भाई, भाई निकाल दे। ओए खियां वालियो भाइयो। अरे अम्मा कुछ तो छोड़ो मुझे जाने के लिए। अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह तुझे खुश रखे। खियां वालियो प्यारे मुसलमान बच्चों, अल्लाह के नाम पे गरीब औरत की मदद करो। शाबाश, तुम आज एक पैसा दोगे ना तुम्हें 70
1000 मिलेंगे शाबाश जल्दी से, नहीं तो अगर तुम्हारी मदद नहीं की ना, बिस्मिल्लाह अल्लाह बहुत देगा। हेलो ब्यूटीफुल, मैं खूबसूरत हूँ। वही तो मैंने कहा, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती क्या? दिखने में टिप टॉप लगती हो। ये क्या बकवास है मिस्टर? अच्छा चलो बकवास नहीं, सीधा आई लव यू बोलता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कसम से। मैं शादीशुदा हूँ मिस्टर, और मेरा शौहर यहीं मौजूद है। तुम्हारे शौहर को रास्ते से हटा दूँ? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अरे नहीं नहीं, तुम्हें सोने की अंगूठी दूंगा। अच्छा फिर तो मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहूंगी। सच? हाँ हाँ। एक्सक्यूज मी, सुने कोई है? ये लड़का मुझसे बदतमीजी कर रहा है, मुझे छेड़ रहा है, कब से परेशान कर रहा है मुझे। मारे इसको, मुझे परेशान कर रहा है। 45, 40, 42, 44, 45। ओ मैं भूल गई कि एक मुमताज, तुम यहाँ? कौन मुमताज? अरे मुमताज तुम हो यार, और ये तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हाँ ये ना यहाँ एक बंदा खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं ताजी बेवा हुई हूँ, तो मेरे मियाँ की तदफीन के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने देखे मुझे दे दिए। अरे अभी तुम्हारा शौहर जिंदा है मोमो। अच्छा काएं नहीं, ये रहा तुम्हारे सामने। आप तो कफील के सतेले बाप नहीं थे रमीज? अरे तुम्हारा शौहर ही नबील का सतेला बाप होगा ना, जो के मैं हूँ। आप मुझे वो करने की कोशिश कर रहे हैं मनवर। वो क्या? वो ही जो मैं हो रही हूँ उस वक्त। पागल? आप तो चाहते हैं मैं पागल हो जाऊँ भाई साहब। नहीं मैं तुम्हारा शौहर हूँ यार, क्यों कंफ्यूज हो रही हो? कंफ्यूज? आप मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश ना करें, मेरा शोहर तो शाहिद अफरीदी है ना भाई। माँ जी महमूद साहब, मैं आप लोगों को कब से ढूंढ रही हूँ, कोई बंदोबस्त हुआ पैसों का? ये देख पुत्र। माँ जी ये तो चिल्लर है, इससे हम लाहौर कैसे जाएंगे यार? इससे अंडे वाला बर्गर तो आ जाएगा ना बच्चू। और ये नबील कहाँ है? नबील? आओ फिर मैं तुम्हें नबील के पास लेकर चलता हूँ। आओ मेरे साथ। मैं सऊद पुप्पा, छोटी भाभी रुक जाए, मैं भी आ रही हूँ। आ जाओ। पुप्पा जी रुके। आप कुछ बोले ना। मैं तो बोल दूंगा, पता नहीं आपसे बर्दाश्त होगा भी कि नहीं जी। मेरा मतलब है कि मैं ना इधर ही साथ वाली गली में रहता हूँ, आप कभी आए ना मेरी तरफ। वहाँ तो मैं भी रहती हूँ। अच्छा आप भी वही रहती हैं? आपका बैंगलोर नंबर क्या है? बैंगलोर नंबर 8 जी। वो तो मेरा बैंगलो है। मैं कह रहा था कि बंगला नंबर 8 के साथ बंगला नंबर 9 जो है ना वो मेरा है। मैं जरूर आऊंगी आपके बैंगलो में। फिलहाल तो हम इसी पार्क में रहते हैं। जानू मैं ना बहन जी से कह रहा था कि हमारी कुछ मदद करें, हम लोग बड़े मस्कीन हैं। ये दिल की बहुत अच्छी लग रही थी बहन जी, मैंने सोचा हो सकता है लाहौर की टिकट ही ले दे हमें। शट अप नबील। ओके जानू। ये लोग कौन है? मैं इसकी बीवी हूँ और ये दोनों इसके माँ बाप है। सुबह से बेचारे भीख मांगते फिरते। आपको मेरी बीवी कैसी लगी बहन जी? शट अप यू फ्रॉड। ये ले पुत्र पैसे, जहाज की टिकटें करा ले, और मैंने ना खिड़की वाली सीट लेनी है। ओ माँ जी हेलीकॉप्टर ना बुलवा लूं पार्क में? हाँ ये ठीक है। क्या ठीक है मोमो? अरे इन पैसों में तो हम लाहौर की बस की टिकट नहीं खरीद सकते, और ऊपर से बरसा भी फोन नहीं उठा रहे यार। तो क्या सारी रात हमें इसी पार्क में गुजारनी पड़ेगी? एक आइडिया है मेरे पास। क्या मसाऊद? भी आइडिया ये है कि हम ना भट साहब के घर चलते हैं, 3-4 दिन वहाँ पे आराम से रहते हैं, और फिर उनसे किराया लेके लाहौर चले जाएंगे। ये चीज मेरे अजीज, और ये जो पैसे हैं ना, इनसे कम से कम रिक्शे का किराया निकल आएगा। हम चारों एक रिक्शे में आएंगे कैसे? ओ यार जानू मैं मूसा को आगे बैठा देंगे ना। नहीं जमील मैंने आगे बैठना है, मुझे बड़ा शौक है ना रिक्शे में आगे बैठ के तो गाना गाने का, ऊंची ऊंची चल चल ये दुनिया दे हुस्न करे मुमताज। ओ चले यार आए, निकलो। आओ जानू आओ, चलो। शुक्र है, थैंक यू। 400 रुपए हो गए अम्मा। खुश 400 रुपए
तुझे पता है मैंने कितनी मुश्किल से कमाए, और वैसे भी तुझे रिक्शा विक्शा चलाना नहीं आता ठीक तरह। चार दफा तू ट्रक में वजन लगा सी, और एक दफा ट्रैक्टर ट्रॉली में भी। पैसे दे दो अम्मा, देर हो रही है। चुप है, माँ से पैसे लेता है, शर्म नहीं आती तुझे? माँ से कौन पैसे लेता है, चले जाए इधर से, नहीं तो मैं तेरा रक्षा उलट दूंगी। ओ, ओ, चल भाई चल, निकल यहाँ से, चल भाग। अबे चल चल निकल। यार हद होती है घटियापन की, आप लोग तो बिल्कुल ही सड़क छाप हो गए। आई बड़ी लेडी डैना, चल जानू पर साहब के घर। चल 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 यार नबील इतनी बेल बजाई है यार, अरे इतने में तो मुर्दा उठ के आ जाए बाहर। मुझे लगता है बट साहब ने ना केस वटी हुई है, वो बाहर नहीं आ रहे डर के मारे। पुत्र ईंट उठाकर मारो। अरे हमने उनकी जान थोड़ा लेनी है मोमो। नबील तुम फोन करो उन्हें। हाँ यार एक सेकंड जानू, बट साहब कॉल करता हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम बट साहब। बट साहब मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ यार। अरे तुम लोग मेरे घर तक पहुँच गए हो, लेकिन मैं घर में तो हुई नहीं। अच्छा बट साहब घर पे नहीं है? ओहो मैंने तो आपका उधार वापस करना था, चलो फिर कर दूंगा। ओके बाय। अरे तुम पैसे लुटाने आए हो? यार पहले बताना था ना, मैं मुलाजिम को बाहर भेजता हूँ, तुम उसको पैसे दे देना। ओ बट साहब बाहर आके पैसे अपने गिने यार, खुद पूरे पैसे अपने लेके जाए मुझसे। अरे यार मैं बाहर नहीं आ सकता, अब तुम मुलाजिम को पैसे दे दो, बीवी से फटा हुआ सुबह से कमरे में बांधो। क्या हुआ नबील, क्या कहा है भट्ट साहब ने? अरे भट्ट साहब अपना मुलाजिम भेज रहे हैं, उन पे अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है, वो बाहर नहीं आ सकते। लाइए साहब पैसे। ले, ये तो उल्टा हमसे पैसे मांग रहे हैं, लगता है इसको पता नहीं हम कौन लोग हैं। फकीर भाई हमें बस लाख दो लाख रुपया चाहिए। लेकिन साहब ने तो कहा था आप लोग पैसे देने आए। वो तो हमारी चाल थी बच्चू। हाँ भाई पैसे मिल गए? नहीं साहब जी, ये तो उल्टा हमसे पैसे मांग रहे हैं, वो भी पूरे 2 लाख रुपए। ओ मेरी बात करा यार। हेलो भट्ट साहब, या तो आप हमें पैसे दें या फिर आप अपने हमें घर में रहने की जगह दें यार। भाई तुम यहाँ नहीं रह सकते, वैसे भी मेरे ससुराल वाले यहाँ आए हुए, 2 महीने हो गए, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ ठीक है भट्ट साहब, फिर हम लोग अंदर आ रहे हैं। रुको रुको भाई, तुम मुलाजिम को फोन दो, मैं उसके हाथ पैसे भिजवाता हूँ, मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपए इस वक्त। ओके भट्ट साहब। ओ जा भाई अंदर से पैसे ले गया, चल चल, शाबाश शाबाश, जल्दी आना। महमूद साहब भट्ट साहब हम लोगों को 20,000 रुपया भिजवा रहे हैं। नबील 20,000 में हम सबकी प्लेन की टिकट्स कैसे आएंगी? हाँ जानू हमें लाहौर जो है वो बस में जाना पड़ेगा। देख लो तुम्हारे पापा जी की वजह से हम लोग बसों में धक्के खा रहे हैं। वो जो हम बसों में खाएंगे वो धक्के होंगे। हाँ जी ला भी ला भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। आज वो चलो भाई 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 चलो भाई। इसका फोन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे निराली बेगम आप समझती नहीं, मेरा दामाद बहुत ही डीट है, ऐसे भी जल्दी छोड़ेगा। इसीलिए तो कह रही हूँ, इससे पहले वो लोग यहाँ आ धमके हम यहाँ से जल्दी से निकल जाते, पैकिंग जल्दी करो। अरे बेगम मैं कह रहा था कि देखो पिछली दफा हम पैरिस गए थे ना, बहुत खर्चा हो गया था, ऐसे करते हैं इस दफा हम मरी चले जाते। क्या कहा, हम मरी से हो आते हैं? भोलू मेरे साथ कंजूसी मत करो, हम लंदन ही जाएंगे, मुझे एफिल टावर देखना है। एफिल टावर तो पेरिस में है, पिछली दफा देखा था वो टावर नहीं था, वो लोहे का बना हुआ लंबा सा। क्या बोलूं, इतना पैसा है तुम्हारे पास, तुम लंदन में मेरे लिए एफिल टावर नहीं बनवा सकते? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बस अब इस बार उन भीख मंगो के आने से पहले हम यहाँ से चले जाएंगे, मुझसे वो नमूने बर्दाश्त नहीं होते। देखिए वैसे मैं सोच रहा था कि 25-30 हजार खूबसूरत को भेज देता मैं सिर्फ। क्या बहुत लुटा ली अपनी दौलत उन पे, अब कोई जरूरत नहीं है, चलो जल्दी जल्दी पैकिंग करो हमें निकलना है। चलो मैं टॉयलेट ही लीजिए। शुक्र है यार। चल मिसलीन खाना ले आ, मेरा ना ABCD लो हो रहा है। बीपी माँ जी। हाँ हाँ वही। फिर क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? पापा हमारा आपके सिवा है ही कौन, हम कहाँ जाते?
तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। क्यों भाई? क्योंकि मैं और भोलू लंदन जा रहे हैं। खुश अवश्य लंदन। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते।